सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर आ गया हूँ और आज मैं करने वाला हूँ एमआई सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड, जो कि 2-in-1 सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड दोनों आ जाते हैं, और मैं आज उसकी ही रिव्यू, अनबॉक्सिंग और उसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। सो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आ चुका है एमआई सेल्फी स्टिक एंड ट्राइपॉड। सो गाइस, ये दिखने में तो काफी कम्पैक्ट लगता है। सो गाइस, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसको ओपन करते हैं और इसके साथ सबसे पहली चीज निकलती है ब्लूटूथ रिमोट। सो गाइस, इसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे और पहले हम पूरी अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू और इसकी डिटेल्स दूंगा। सो उसके बाद आ जाती है हमारी मेन ट्राइपॉड और उसके साथ निकलता है इसका यूजर मैनुअल। सो गाइस, अब इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। अब मैं इस ट्राइपॉड को अनबॉक्स करने वाला हूँ और आप यहाँ पे देख सकते, काफ़ी कम्पैक्ट लग रही है ये। सो गाइस, अब मैं इसको ओपन करके देखूंगा। सो गाइस, ये दिखने में तो काफ़ी अच्छी है, इसका स्टैंड भी अच्छा है, काफ़ी लंबा हो सकता है आपके फ़ोन के लिए। और इसको मैं अब थोड़ी सेल्फी स्टिक में कन्वर्ट करके देखता हूँ, इसकी हाइट और सारी चीज़ें देखते हैं। सो गाइस, ये काफ़ी लंबी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, शायद से आपको थोड़ी छोटी दिखे, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही इनफ है। सो गाइस, अब मैं आपको इसका ट्राइपॉड मोड भी दिखा देता हूँ। पहले मैं सेल्फी स्टिक को छोटा कर देता हूँ और इसके नीचे से ये ट्राइपॉड इसका खुलता है और इसके 4 विंग्स टाइप है। सो गाइस, यहाँ पे आ जाता है इसका ट्राइपॉड मोड। सो इसका ट्राइपॉड मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ड्यूरेबल दिखता है। अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करूँ तो ये काफ़ी मजबूत दिख रहा है, और मैं ट्राइपॉड को बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो बनाने के लिए भी, और जैसे कि कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो बनाने हो तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। सो गाइस, अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाइस, ये इसका जो फोन को घुमाने का, ये आप पूरा 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं, जो कि इसमें मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। और गाइस, मैंने आपको इस रिमोट के बारे में नहीं दिखाया, तो अब मैं इस रिमोट को ओपन करने वाला हूँ और ओपन करके देखते हैं इसके अंदर से कैसा दिखता है और क्या निकलता है। सो गाइस, इसके यहाँ पे एक छोटा सा बटन जैसा कुछ है, इसको मैंने ओपन कर दिया है, और इसके साथ हमें दिखता है एक बहुत ही छोटा सा रिमोट। सो गाइस, आई थिंक ये एक फोटो क्लिक करने के लिए बटन होगा, जिसको हमें सेल्फी स्टिक के इस पॉइंट पे लगाना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करके इसके साथ पैर कर देना है, और जैसे ही ये पैर हो जाएगा आप इससे फोटोज क्लिक कर सकेंगे। और आपने काफ़ी सारे सेल्फी स्टिक में देखा होगा कि यहाँ से कोई वायर निकलता है, तो इसमें ये एक प्लस पॉइंट लगा कि इसमें कोई ऐसे वायर नहीं है, पूरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है। गाइस, वैसे तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी, इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लगी मुझे, बट एट द सेम टाइम इसका 2-in-1 फीचर है, जो कि सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी यूजफुल भी बना देता है। सो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर है या तो आपको ब्लॉग करना पसंद है, यहाँ तो आपको ये फोटोज खींचने में काम आएगा, सो आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। सो गाइस, एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारी चैनल अच्छी लगी, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।